बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाक ऑटो पार्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये जो आप इस वक्त पार्ट देख रहे हैं ये यामा 2010 मॉडल के पार्ट्स है। इसे मुकम्मल तौर पर रिस्टोर किया गया है। ये बाइक हमारे पास से डिसअसेंबल होकर किस सिटी से आई है, इस पे कितना खर्चा आया है और इसको रिस्टोर करने के बाद दोबारा कैसे भेजा जाएगा, कम्प्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। दोस्तों ये यामा हमारे पास मनकेरा से मुकम्मल रिस्टोर होने के लिए आया है। ये जिस कस्टमर की बाइक है उसने मुकम्मल तौर पर डिसअसेंबल करके ये सामान हमारे पास बिल्टी के थ्रू भेजा है। इसमें कुछ पार्ट्स पेंट वाले हैं उनको पेंट किया गया है, जो पार्ट्स बफ वाले हैं उन्हें बफ किया गया है, जो पार्ट्स निकल वाले थे उन्हें निकल किया है और जितने भी नट बोल्ट केडीएम वाले थे उन्हें हमने केडीएम किया है। ये सारा प्रोसेस तकरीबन 10 से 15 दिनों में हुआ है। अगर आप भी अपनी बाइक हमारे पास भेजना चाहते हैं रिस्टोर के लिए, पार्ट्स आप डिसअसेंबल कर भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आप किसी भी बिल्टी के थ्रू हमारे पास भिजवा सकते हैं। हर सिटी में कोई ना कोई बिल्टी अड्डा होता है, उसके थ्रू आप हमारे पास भिजवा सकते हैं। शॉप का एड्रेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, नंबर भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे किसी भी बाइक का और भी कोई पार्ट्स परचेज़ करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के एक्सपेंस डिटेल की। अगर एक्सपेंस डिटेल की बात की जाए तो तकरीबन 16 से 17 हज़ार के अराउंड इसके ऊपर खर्चा आ चुका है। हम जो पेंट यूज़ करते हैं वो कंसाई कंपनी का जापानी पेंट होता है। आप शाइनिंग भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त शाइनिंग आई है। पेंट करने के बाद हम जो लैकर यूज़ करते हैं वो भी कंसाई कंपनी का जापानी होता है। अगर आप इसके अलावा हमसे किसी भी किस्म का और भी कोई पार्ट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको हमसे मिल जाएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन पॉलिश, कंपाउंड पॉलिश, केमिकल स्टील पाउडर, चाक मट्टी, बफिंग टूल्स, डेकोरेशन के रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का पार्ट्स, LED हेडलाइट्स, यूनिवर्सल, किसी भी किस्म का कोई भी पार्ट्स आप हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पर रब्ता करके पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग हमारी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुकी है। पैकिंग करने के बाद इसको अच्छी तरह से एक बॉक्स में पैक किया जाएगा। पैक करने के बाद इसको बिल्टी अड्डे पे बिल्टी करवा दिया जाएगा। बिल्टी करवाने के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर कस्टमर को रिसीव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।